तो दोस्तों अगस्त का महीना मोस्टली फ्लैगशिप स्मार्टफोन के नाम रहा, लेकिन सितंबर के महीने में हम बजट फोन के साथ फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट फोन की, जो कि होने वाले हैं 15,000 के अंडर। तो इस प्राइस सेगमेंट में जो फोन हमारे लिस्ट में सबसे पहले है वो है Realme की तरफ से Realme C33, जो कि हमें सितंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। अगर आपको आईफोन की कॉपी चाहिए तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। इसमें दोस्तों हमें यूनिसॉक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसे पावर देगा 5000 mAh की बैटरी, और यह 6.6 इंच IPS डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। इस फोन की कीमत 9000 से शुरू हो सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों इस वीडियो का एम है 50 लाइक्स का, आई होप आप इसे पूरा करवा देंगे। अगला फोन जो हमें इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा वो होगा Redmi की तरफ से Redmi 11 Prime 5G। इसमें हमें MediaTek Dimensity 700 देखने को मिलेगा। इसमें हमें 6.58 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यह फोन हमें 11,000 के प्राइस में देखने को मिल सकता है। इसी प्राइस सेगमेंट में हमें IQ का IQ Z6 Lite देखने को मिलेगा, और यह Vivo T1X का रिब्रांडेड वर्जन होगा। इसमें आपको Snapdragon का 680 चिपसेट देखने को मिलेगा। इसमें 6.58 इंच की IPS LCD जो आएगी 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और इस फोन को पावर देगा 5000 mAh की बैटरी, और इसकी प्राइस आपको 13,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। दोस्तों Xiaomi के छोटे भाई Poco की तरफ से भी हमें Poco M5 और इसका प्रो वर्जन Poco M5 Pro, यह दोनों फोन हमें सितंबर महीने के एंड में देखने को मिल सकता है। Poco न्यू प्रोसेसर MediaTek Helio G99 के साथ आने वाला है। यह फोन आएगा 5000 mAh बैटरी के साथ। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है 14,000। सो फाइनली दोस्तों हमें OnePlus की तरफ से भी एक बजट फोन देखने को मिलेगा। दोस्तों आपके कानों ने सही सुना, OnePlus भी भारत में बजट फोन लाने की सोच रही है। OnePlus Nord N20 से जो MediaTek Helio G35 के साथ मार्केट में दस्तक देगा। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 11,000। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 20,000 के अंडर में आने वाले स्मार्टफोन की। सो इस प्राइस रेंज में भी हमें Realme का Realme Q5, और यह इंडिया में हमें नाजो सीरीज के अंडर देखने को मिल सकता है। Realme Q5 Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। इसमें हम 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले जो 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसमें हम 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 30,000 के अंडर में आने वाले स्मार्टफोन की। दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंडर हमें Infinix की तरफ से Infinix Zero Ultra 5G देखने को मिलेगा। इसमें हमें MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें हमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसके साथ आएगा 180 वॉट का फास्ट चार्जर। इस फोन की कीमत करीब 25,000 से शुरू होगी। Xiaomi की तरफ से भी हमें Xiaomi 12 Lite सितंबर में देखने को मिले। इसमें हमें Snapdragon 778 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, और यह हमें मोस्टली 25,000 के अंडर देखने को मिले। हमें OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 3 देखने को मिलेगा। इसमें हमें MediaTek Dimensity 8100, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, वो हमें देखने को मिलेगा।
OnePlus Nord 3 में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। यह शायद से हमें 30,000 के प्राइस में देखने को मिले। Poco X4 GT और Realme Neo 3T यह दोनों फोन ने काफी इंतजार कराया, लेकिन आखिरकार यह दोनों फोन भारत में देखने को मिलेंगे। Poco X4 GT हमें सितंबर के सेकंड नहीं तो थर्ड वीक में देखने को मिले, और वही Realme Neo 3T सितंबर के बीच में देखने को मिले। यह रहे दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन। ग्लोबली मोटोरोला के काफी स्मार्टफोन लॉन्च हुए, उनमें से हमें दो या तीन फोन भारत में देखने को मिले। मोटोरोला का मोटो एज 30 फ्यूजन जो 8 सितंबर को भारत में देखने को मिले, इसमें स्नैपड्रैगन का 888 प्लस देखने को मिलेगा। यह फोन 6.55 इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट की तरफ, जो है 40,000 के अंडर में आने वाले स्मार्टफोन की। तो इस प्राइस सेगमेंट में हमें IQ Neo 7 देखने को मिलेगा, और यह एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आएगा जो है MediaTek Dimensity 9000 प्लस, और यह फोन हमें सितंबर के मिड में देखने को मिले। Xiaomi की तरफ से हमें इसी प्राइस सेगमेंट में फोन देखने को मिल सकता है जो है Xiaomi का 12T। इसमें MediaTek Dimensity 8100 का प्रोसेसर देखने को मिले। इसमें हमें OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ज होगा। इसमें LPDDR5 और UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। यह शायद से हमें 40,000 के प्राइस में देखने को मिले। अब बात करते हैं 50,000 से ऊपर और उससे कम प्राइस में आने वाले स्मार्टफोन की। वो आ गया। देखो, वो आ गया। So finally, दोस्तों 200 मेगापिक्सल का फोन जिसका इंतजार काफी टाइम से था, मोटोरोला का मोटो एज 30 अल्ट्रा जो हमें 8 सितंबर को देखने को मिलेगा। इसमें भी दोस्तों फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 देखने को मिलेगा। OnePlus का OnePlus 10 RT भी हमें सितंबर के एंड तक देखने को मिले। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। यह फोन शायद से हमें स्नैपड्रैगन 880 प्लस प्रोसेसर के साथ देखने को मिले। Asus का Asus Zenfone 9 भी देखने को मिलेगा, और यह आएगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर के साथ। दोस्तों हमें सितंबर महीने में भी एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिले जो होगा ओप्पो की तरफ से, ओप्पो फाइंड N2। तो दोस्तों यह थे एक्सपेक्टेड फोन जो हमें सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हमें दूसरे ब्रांड की तरफ से भी फोन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कॉमेंट में जरूर बताएं कि आप किस फोन का वेट कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं न्यू वीडियो में।